वेलकम टू द प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। आप देख रहे हैं टैक टीवी पे और आज हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं आपके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर फीडबैक। आपकी तजावीज़, आपकी राय हमें मिलती है और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होती है। कंडीशन, सिचुएशन, हालात, वाकयात बदलते रहते हैं और हम उन पर आप तक अपने तबसरे, तजिए, कॉमेंट्री और माहरीन की राय आप तक पहुँचाते हैं। इसी सिलसिले में जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक बहुत अहम तकरीरी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट की तकरीरी के लिए पूरे पाकिस्तान में 3 दिन का स्टेज शो, थिएट्रिकल एक्ट किया गया, एक तमाशा लगाया गया और उस तमाशे के बाद हमने जो कुछ देखा वो पूरी दुनिया में उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। यानी कि ऐसी जगह जहां पे असेंबली के अंदर कैबिनेट के इजलास के दौरान एक हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरी दिन और पूरा रात बैठ के एक अपनी समरी की डिक्टेशन करवाता है, इसकी नौबत क्यों पेश आई, इसका क्या नतीजा निकला, सुप्रीम कोर्ट में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन एक इशू क्यों बनी रही, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम और भी दीगर मौजूदात इन पर ही बात करेंगे। स्टे ट्यून, हमारे साथ ही रहिएगा। एक और छोटा सा वाक़या जो कि बहुत बड़ा बन गया उस पर आज हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे। कराची में एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल ने एक गाड़ी को ख़िलाफ़ वर्जी करने पर रोका और रोकने के बाद उन्होंने जिस खातून को रोका वो किसी बा असर खातून, घराने की खातून थी, सियासी घराने की, और उन्होंने उस हवालदार को, उस संतरी बादशाह को बहुत सलवातें भी सुनाई, गालियां भी दीं और एक माइंड सेट का हमने वहाँ पे मंजर देखा। वो माइंड सेट का मंजर पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उस पस मंजर में हम जाएंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को भी आप तक पहुँचाएंगे। तो एक वीडियो है छोटी सी, इसको देखते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों से भी बात करते हैं। सिग्नल वॉलेशन किया, सिग्नल वॉलेशन आपने, सिग्नल वॉलेशन किए मैडम और आपको चलान होगा, ठीक है। और आप बदतमीजी प्लीज नहीं करें, आप बदतमीजी नहीं करें, चलान नहीं छोड़ेंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल। आप सिग्नल जम करके आइए फिर रोक रहे हैं, आप रुक रहे नहीं है। मेरा नाम नवाज है, मैं जी हाँ ये देख लें आप, आप आप सिग्नल जंप कर रही हैं और ऊपर से आप फिर गालियां दे रही हैं जी। तफसीलात के मुताबिक सना नामी इन खातून का ताल्लुक़ कराची के एक बासर सियासी घराने, सिंध के एक बासर सियासी घराने से है और उसकी तलाश में जब ये वीडियो वायरल हुई, तमाम नेटवर्क्स पे चली और हुकाम ने इसका नोटिस लिया तो हुकाम छापे मारने के लिए उनके घर तक पहुंचे, लेकिन वो खातून वहाँ से फ़रार हुई और उसके बाद उनका अता पता नहीं है। ये तो है कहानी का एक पहलू। इसी तरफ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस खातून को लेकर किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की एक मारूफ एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुहक्किक हैं, शमा जुनेजो को मिलाने की कोशिश की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जरताज गुल के एक अकाउंट से। फर्जी अकाउंट था या ओरिजिनल अकाउंट था ये एक ज़ेर बहस मसला है, लेकिन एक अकाउंट से उनके बारे में नाजेबा बातें की गई कि यह है वो खातून के जो कि इस गाड़ी को चला रही थी। आप देख रहे हैं ऊपर की तस्वीर में वो खातून है जिन्होंने बदतमीज़ी की और नीचे हमारी और आपकी सबकी जानी पहचानी शमा जुनेजो साहिबा आसिफ अली जरदारी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उनकी ये तस्वीर है। इस पे उनको खूब तनकीद का निशाना बनाया गया, अगरचे तमाम ही ब्लॉगर्स, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने और तमाम दोस्तों ने इस चीज़ को फौरन हाईलाइट किया, इसकी तरदीद की और ख़ुद शमा जुनेजो ने भी इसकी तरदीद की। हमारे साथ लंदन से शमा जुनेजो मौजूद हैं और स्टूडियो में ताहिर असलम गोरा मौजूद हैं। हम दोनों मौजूदात पर आज बात करेंगे। खुश आमदीद कहते हैं शमा आपको, और आज कल जनरल बाजवा के बाद अगर पाकिस्तान में किसी की तस्वीर चल रही है तो वो शमा जुनेजो की चल रही है। तो जी, क्या क्या आप पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ गई, आप किस में बैठ के गई कि जल्दी से आ भी गई, हुआ क्या ये? मुझे 2 दिन पहले एक डीआईजी ने एक वीडियो भेजी सुबह सुबह को और उन्होंने मुझे वॉइस नोट भी भेजा, क्योंकि भाभी, क्योंकि मेरे अपने शोहर का पुलिस से ताल्लुक है और अफसर हैं वो, आजकल यूएन में हैं वो, तो उन्होंने कहा कि भाभी एक खातून ने बदतमीजी की है हमारे कॉन्स्टेबल्स के साथ, आप बहुत इफ़ेक्टिव है, आपका जो ट्विटर हैंडल है और आपका इन्फ्लुएंस है,
तो इफ़ यू प्लीज़ ट्वीट दैट, तो हो सकता है कि हम लोग कामयाब हो जाएं उस खातून को आइडेंटिफाई करने में। मैंने कहा कि भाई मैं हाजिर हूँ, और जब मैंने वीडियो देखी तो वो इतनी, आप देखें कि किस किस्म की वो लैंग्वेज उसमें, और बुढ़ा बुढ़ा कहकर वो जिस तरह से असॉल्ट कर रही थी, मैं तो बाकायदा असॉल्ट का मैं केस कहूँगी कि वो उन्होंने असॉल्ट किया, उन्होंने हरासा किया उनको, ऑफिसर्स को। और तो मैंने कहा कि मैं फ़ौरन ही करती हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने वो किया तो मुझे रिस्पांस, बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, और तकरीबन कोई 1 घंटे के अंदर 1,000 से ज़्यादा ट्वीट हुए। बाद में वो शायद कोई 2,500-3,000 ट्वीट हुए उसके, रीट्वीट हुए उसके। और साथ ही जो जब वो चलती है, मैंने कुछ ग्रुप्स में भी डाली, फिर वो वायरल हुई वीडियो, न्यूज़ चैनल्स ने उस पर रिपोर्ट्स की और कहा कि उस खातून को पकड़ा जाए, और वो बड़ा अच्छा इम्पेक्ट किया। उन्होंने मेरा थैंक्स भी किया, जो वो DIG साहब थे, कुछ और पुलिस अफसर थे, उन्होंने बड़ा थैंक्स किया। उन्होंने कहा कि भाभी आपने बड़ा अच्छा काम किया और वी आर ग्रेटफुल। यस्टरडे आई वोक अप, जब मैं उठी तो मेरे, मुझे कोई हंड्रेड्स ऑफ नोटिफिकेशन थे फेसबुक पर, व्हाट्सएप मेरी स्पैम्ड थी, पता नहीं कौन कौन से मैसेजेस नंबर से मैसेजेस, और मुझे समझ में ना आए। ट्विटर पर वॉइस नोट्स मैं देखूं कि बहुत सारे वॉइस नोट्स भी थे, तो उसमें पता चला कि मुझे जो वो खातून थी, लोगों ने अज्यूम किया कि वो खातून मैं हूँ। मेरी एक फाइल फोटो 2016 में जब ये पानामा केस चल रहा था और मैंने जरदारी साहब का इंटरव्यू किया था खबरें के लिए, तो वो वाला फोटो और एक रशिया टुडे पर जरदारी साहब का इंटरव्यू था, जॉर्ज गिलोवे और हम सब लोग साथ थे, तो वो उसमें मेरा बेटा भी खड़ा है, वो भी हराज हुआ है। तो हम वो इंटरव्यू, और कहा कि आपने देखा कि कितनी वो घटिया चीज़ें चली कि वो खातून में। मैंने पहले तो कोशिश की कि मैं कहूँ, मेरे हस्बैंड को तो खैर उस पर हंसी आ रही थी, उन्होंने कहा कि ये मेरे एस्थेटिक्स की इंसल्ट है कि आपको उस खातून से मिला रहे हैं, कि मैं तो वो हंस रहे थे। हेयर स्टाइल पर बात हो रही, लिपस्टिक पर, क्योंकि मैं कभी डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगाती अनलेस कोई बहुत ही इस तरह का मौका हो, तो मजाक चल रहा था। लेकिन 10-11 बजे तक वो बहुत सेंसिटिव हो गया, वो स्पाम होती गई होती गई। अच्छा, कुछ टीवी राइटर्स ने लिखा, उनको मैंने कहा कि जी टेक डाउन करें। कुछ पुलिस के पेजेस थे, मैं बड़ा हैरान हुई कि पुलिस के पेजेस से किस तरह से ये हो रहा है। तो बाद में उन अफसरों ने मुझसे कांटेक्ट करके कहा कि नहीं, और ये हमारे पेजेस नहीं है, बल्कि हमें पता चला है कि हमारे नाम से भी पेजेस हैं। तो खैर वो चीज़ चलती गई, लेकिन आप एक हद तक रिपोर्ट कर सकते हैं, आप एक हद तक कंप्लेंट कर सकते हैं, जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की पोस्ट्स हों तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात। तो फिर ये हुआ कि मुझे लगा कि ये हैरासमेंट है, क्योंकि पहले तो हम लोग ग्रुप्स में भी हम लोग हंस रहे थे कि देखें किससे मिला दिया, क्या हुआ। और हालांकि स्टोरी मैंने ब्रेक की, मैंने कोशिश की, लेकिन अच्छा, उसके बाद वो चीज वहां पर रुकी नहीं। आज सुबह सुबह को तकरीबन 4 बजे के करीब UK टाइम पर मेरी बहन ने मुझे फोन किया, एंड शी वॉज क्वाइट फ्राइटेंड, और उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी लेकिन मैं नहीं जा सकी, क्योंकि उसने नाम लिया एक टीवी चैनल का, कोई लोकल सिंधी टीवी चैनल है, उसके रिपोर्टर्स घर के बाहर खड़े हुए हैं और वो तुम्हारा पूछ रहे थे, और उनका वो कैमराज लेकर खड़े हुए थे। तो मैं इतनी फ्राइटेंड हुई कि मैं घर आ गई, बेटी को स्कूल नहीं लेकर गई। उसके बाद मुझे उसी चैनल का सुहेल मेमन कोई बंदा है, उसने मुझे कहा कि आपने जो ये की है बदतमीजी, आप फिक्र ना करें और मैं आपकी जान छुड़ा दूंगा, मेरे SP भी जानने वाले हैं। मैंने कहा भाई मैं लंदन में हूँ, मैं 2013 से मैं गई नहीं पाकिस्तान, मैं नहीं हूँ वो खातून। लेकिन वो फिर भी कह रहे कोई बात नहीं, अगर आप गेट अवे कर भी गई हैं तो हम कैसे आपकी जान। एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये यानी ये है कि ये बगैर वेरिफिकेशन के, मैंने कहा कि आप स्टूपिड हैं या फूल हैं, मैं आपको बता रही हूँ मैं लंदन में हूँ, मेरी शक्ल नहीं मिलती उनसे, आप सहाफी खुद को कहते हैं, आपने मेरे क्या फेसबुक पोस्ट नहीं देखी, मेरा ट्विटर हैंडल नहीं देखा, या आप ये देखें कि मेरी, मतलब ये है कि किस तरह से आप शक्ल देखें, शक्ल भी नहीं मिलती, आप किस तरह से मिला रहे हैं। लेकिन ही केप्ट रिपीटिंग, और वो फिर ये था कि वो मुझे इतना साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट हुआ उसका कि मैं जो हमारी हम एक माइंड की बात कर रहे हैं, एक माइंड सेट की बात कर रहे हैं गौरव साहब, ये जो हम इससे पहले ऑफ ऑफ द एयर भी बात कर रहे थे कि हमारे अंदर एक ऐसा सोच, एक ऐसा माइंड पैदा हो गया है जो कि बड़ा खतरनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है।
इस बारे में आपने भी ये सूरतेहाल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे झूठ जी देखिए, जो बात क्षमा कर रही हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और मसला माइंडसेट का है कि बदकिस्मती से जिस तरह हम इस वीडियो क्लिप में देखते हैं कि एक औरत कानून का एहतराम भी नहीं कर रही और जो वहाँ पर ऑफिसर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उनको किस हद तक के साथ मुखातब कर रही है। इसीलिए तो हम तो नहीं करते कि फिर पुलिस अपना काम जानबदारी के साथ और ठीक तरीके से कर सकेगी, क्योंकि जो बासर लोग हैं वहाँ पर वो उनको बुरा भला कहते हैं, फिर पुलिस के कांस्टेबल वही अपना गुस्सा गरीबों पे उतारते हैं। तो ये जो माइंडसेट बना हुआ है, अच्छा माइंडसेट की जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल इसमें तो मैं 100% मानता हूँ कि हम कहते हैं कि ओए तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, या ये आप देखते हैं अभी उसकी एक एक्टर की भी वीडियो आई थी मैकडॉनल्ड में खड़े, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, फिर बाद में उन्होंने उसको दूसरा ट्विस्ट दे दिया था। तो ये तो यहाँ तक तो हम शुरू से पाकिस्तान में एक एलीट क्लास और एक बेचारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ये देखते हैं फिर, लेकिन जो रवैया रखा एक खातून ने एक शख्स के साथ, हतक आमेज जो आपने बताया कि वो गालम गलोच और दो टके का आदमी, बुढ़े, चल इधर से निकल, ये किस एलीट सोच का, किस जागीरदाराना सोच का जो ये अलम्बरदार था, ये मेरा पॉइंट है कि हम अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठे हैं पाकिस्तान में, और ये सोच शमा बड़ी ख़तरनाक है। हमें इसी से फाइट करनी है, हमें किसी और से फाइट नहीं करनी, यहां विधान से फाइट करनी कर सकते हैं किसी अफसर के, उन अफसरान की कमजोरी थी। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई लेडी अफसर नहीं थी, वो खातून प्रेग्नेंट भी लग रही थी, शायद वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी वो अब जाहिर है पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं लगा सकते थे पाकिस्तान में। आप देखेंगे फिर अगर वो हाथ लगाते, उनको बाहर निकालते तो वो फिर और मसला हो जाता। ये तो उन्होंने बड़ी अकलमंदी की कि उसकी वीडियो बना ली, अगर ना बनाई जाती तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह मुराद सईद के बाप को चालान करने में एक ट्रैफिक वार्डन डिसमिस हो गया सर्विस से, और उसको वो इसलिए बेचारा डिसमिस हुआ कि उसने जब रोका तो वो वीडियो नहीं बना रहा था कोई, वरना ये होता कि शायद वो बच जाता, लेकिन वो बेचारा डिसमिस हो गया। तो यहाँ पर भी यही था कि डिसमिस, तो जहाँ तक बात है डिसमिस होने की, तो अभी हमारे बाजवा साहब भी डिसमिस होते होते बचे, तो ये अब इस पर थोड़ी सी बात हो जाए शमा, अगर आपने इसको फॉलो किया है तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपका एनालिसिस ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक, कि ये 3 दिन तमाशा होता है, शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे लगा रहा, और इसमें किसका कसूर है, कौन ज़िम्मेदार है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ, कौन सी जंग हम पे सवार है, कौन से हंगामी हालात हैं, हम किस नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं, हम कहाँ हैं, हम 1947 से एक नाजुक दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान, और फिर क्या इदारे मजबूत हैं या शख्स मजबूत है, ये सवाल मेरा आप दोनों से है, मैं बारी बारी आपसे पूछूँगा। शमा आप बताइएगा। देखिए मैंने तो एक कानून की तालिबे इल्म के तौर पर, और मेरी क्योंकि बदकिस्मती से पीएचडी भी इन्हीं पर है अच्छा। तो मिलिट्री एथिक्स पर, तो उसका तो पहली चीज ही यही है कि आपका ओथ जो होता है वो आपको अपोलिटिकल रहने का कहता है, आपके जो डीड्स हैं वो वाइस वर्सा हैं। तो मैंने तो ये सवाल उठाया था जान की अमान पाते हुए कि जी आप इज्जत से घर चले जाएं, अगर आपको याद हो वो ट्वीट मेरा सोशल मीडिया पर, और लीच ना बने। और दूसरी बात ये कि पर्सनालिटीज को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इदारों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम जब बात करते हैं तो हम इदारों की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। मैं इज्जत करती हूँ पाक फौज की, इज्जत करती हूँ मैं जनरलों की, यह है कि जनरलों का अगर वो उनका कंडक्ट अच्छा होता है तो हम उनकी इज्जत करते हैं, वरना हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम कोई मतलब उनके पर्सनल दुश्मन नहीं होते, हम उनके कंडक्ट की वजह से उनकी जो डीड्स होती हैं या उनका जो पॉलिटिकल इंटरवेंशनिज्म है हम उसको कहते हैं कि जी ये आपकी जॉब नहीं है, आप ना करें इस तरह से। अब जो आज जो हुआ, पहली बात यह कि वो हम जो दरख्वास्त साहब ले गए वहां पर, वो खुद इतने अपसेट हुए कि उन्होंने कहा कि जी मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन उस दिन ये अजम्पशन हुई कि चीफ जस्टिस ने सो मोटू लिया है, लेकिन कल वो साहब क्लियर हो गई थी बात, तो वो क्लियर हो गई कि नहीं ये सो मोटू नहीं था, उन्हीं की दरख्वास्त पर अमल हो रही थी। तो उन्होंने एक सिनारियो जो क्रिएट किया, तो हमें भी यही लगा कि ये जजेस पहली टाइम यानी फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ये कोई
सचमुच ये आइन को अपहोल्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि आइन में तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 1973 का जब भुट्टो साहब ने, आज मैं वॉइस ऑफ अमेरिका पर यही बात कर रही थी कि जब उन्होंने ये बनाया तो उनको नहीं था कि आगे जाकर चीफों को एक्सटेंशन देना पड़े, क्योंकि उनके उन्होंने तो सीधा सीधा किया कि 3 साल के बाद आप घर जाएं, फिर दूसरा आए, फिर घर जाएं, फिर दूसरा आए, वो एक सीधी वो बात थी, लेकिन वो दूसरा हो गया। तो अब जो सवाल, जो पैराडॉक्स क्रिएट हुआ है इस पूरी सिचुएशन में, कि इतना बड़ा सिनारियो क्रिएट हुआ, 4 समरीज गई, पहले अफसर, मैंने अपनी जिंदगी में पहला अफसर देखा है जो खुद बैठकर कैबिनेट को गाइड करता है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से समरी बनाए, ताकि कल को ये ऐसा सोचा भी नहीं था वाइल्डेस्ट ड्रीम में कि जिस चौकीदार को आपने हिफाजत के लिए रखा है वो आपके घर में आके अपना कॉन्ट्रैक्ट मालिक से अपना कॉन्ट्रैक्ट उसने नेगोशिएट कराया, डिक्टेट कराया, पूरी कैबिनेट को उन्होंने लीड किया। तायर असलम गौर साहब, जी दिस इज अ बिग आयरनी। नहीं नहीं, देखिए बात ये है सिंपल, इसके आयरनी डाइज देयर, आयरनी डाइज देयर। हम लेकिन इसमें क्षमा, बात ये है कि मैं जो समझता हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, मैं फिर भी इससे इस हवाले से मुतमइन हूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में स्टेटस को नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई हलचल होती रहनी चाहिए। चूँकि वहाँ पर ये एक हलचल हुई कि एक राह जाते आदमी मिस्टर राही ने एक दरख्वास्त थी और फिर वो शायद अपनी दरख्वास्त से खुद ही भागना चाहा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस बिल्कुल उस मौके पर लिया जब चीफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन लीगली होना थी। तो खोसा साहब ने जो कुछ किया वो एटलीस्ट उसमें कुछ 3-4 बड़े अहम नकात हैं। वो ये हैं कि एक आर्मी जनरल को उन्होंने पुकारा, और मैं समझता हूँ कि जो इसका क्रक्स है इस पूरे प्रोसेस का, वो उनका एक जुमला है जो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई एक शख्स के रहने या ना रहने से मुल्की सलामती के ख़तरे का क्या तल्लुक है। ठीक है ना, ये तो एक इदारा है जिससे मुल्की सलामती मैं यही बात कर रही हूं मुतलका। अच्छा, अब आप देखिए इस सारे खेल तमाशे में आज जो फाइनल फैसला आया वो ये आया कि हम इन्हें 6 महीने की एक्सटेंशन, मशरूत एक्सटेंशन देते हैं। अब वो उस प्रोसेस से बदरजहाँ बेहतर है जिसमें इमरान खान के जस्ट एक नोटिफिकेशन पर इनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब एटलीस्ट 6 महीने कोई ना कोई कानूनी चाराजोई होती रहेगी। फिर हमें ये भी पता है फ्रैंकली कि विद इन एस्टेब्लिशमेंट 2 बड़े ग्रोह हैं, और वो एक ग्रोह का जो एक प्रेशर चला रहा है ये उसी की एक्सटेंशन है। इन की जो मशरूत एक्सटेंशन हुई है वो दूसरे आर्मी के ग्रोह की वो जो एक कोशिश है वो उस एक्सटेंशन के नतीजे में हुई है। बिल्कुल ठीक है, तो एटलीस्ट वहाँ पे चीज़ें ये नहीं हुआ कि भई अब ये 3 साल हमने लिख दिया था तो ये लिख दिया है और हो गया जी, है जी, जी। अब तो प्रेसिडेंट लोग तो अपने आप को 10 साल की एक्सटेंशन देते हैं। आप एटलीस्ट कुछ कानून में काम करें, कुछ अपना तलवार सी लटकी रहेगी। उसके 2 फायदे हैं, एक तो जो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा ग्रोह है वो अपनी उम्मीदें लगाई रखेगा, वो अपनी कोशिशें करता रहेगा, लेकिन अवाम की सतह पर ये फ़ायदा है कि हरफे आखिर नहीं हो गया। और ये बात अब ये पूरी अवाम में डिस्कस हुई कि भाई बाजवा साहब को अपनी एक्सटेंशन की क्या तकलीफ़ है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि इनके रहने से ही ये मुल्की सलामती चलेगी। क्या ये इस एक शख्स पर ही फौज का वो इदारा जिस पर बिलियंस डॉलर साल के खर्च होते हैं वो इस शख्स की वजह से चल रहा है? यानी कि इतनी जो गोरा साहब कह रहे हैं, इतने खर्चे के बाद क्या हमने सिर्फ एक ही जो है माई का लाल पैदा किया जनरल कमर बाजवा, और जो इतने एकेडमी से तैयार होकर लोग आते हैं, एक प्रोसेस से गुजरते हैं, प्रमोट होकर आते हैं, वो बैठे रहें अगले 3 साल तक के लिए? तो ये तो बड़ी बड़ी सरासर ज़्यादती है। और दूसरी बात यह है कि क्या कौन से ऐसे हालात थे, क्योंकि जिस तरह से इनके वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और एक नक्शा और एक खाका और एक तस्वीर पेश की है कि हालात बड़े ख़राब हैं। कैसे हालात ख़राब हैं, मुझे कोई समझा दे अगर, तो मैं शायद इस बात को मान लूँ कि चलो बाजवा साहब रह जाएं। नहीं, हालात खराब भी हो गए नहीं, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स क्या है। मैं देखिए जनरल राहिल शरीफ की मैं ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करती थी कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, बिकॉज देयर वाज अ रीजन। वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन रन कर रहे थे ज़र्बे अज़ब, उनकी अचीवमेंट्स थी, चाहे वो आप उसको किसी भी तरीके से लें, लेकिन उन्होंने जो उस वक्त सफाया था, जो बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही थी, वो सारी वो क्लियर करते गए करते गए। तो मेरा ये था कि जब एक आदमी ने एक चीज़ शुरू की है तो जो दूसरा नया आर्मी चीफ आता है
वो अपना पैकेज लेकर आता है, और जिस तरह हमने देखा कि ये अपना पैकेज लेकर आया, ही डिडंट कंटिन्यू व्हाट ही स्टार्टेड, तो वो चीज वहीं पर शट हो गई और ये आए अपने पैकेज के साथ। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हमने देखी कि जो कि आज हमने देखा कि इवन चीफ जस्टिस कह रहे थे कि वो उनको गद्दार कहा गया, उनको एजेंट कहा गया, वो तो अभी आप देखेंगे कल वो बोल टीवी पर एक एंकर समी इब्राहिम है, उन्होंने खोता कह दिया उनको। तो अच्छा है जजेस को भी पता चले कि जब नवाज शरीफ के पर केस चल रहा था तो किसी की जरूरत नहीं होती थी उनको कुछ कहने की, और अब इन्होंने जस्ट उनको झटका दिया है और छेड़ा है, तो उनको क्या क्या सुनने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जुडिशरी को भी बहुत अच्छा लेसन गया है कि देखें कि आपकी वहां पर क्या थी हालत और इज्जत क्या थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, और यहाँ पर देखें कि आपके साथ क्या। आप जो बात कर रही है ना कि अचीवमेंट क्या है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस दौरान में इन्होंने अगर कोई बड़ा काम कर लिया होता तो हम सोचते कि चलो भाई ये जो है ना इसकी कंटिन्यूशन बड़ी ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि उस वक्त ऑपरेशन चल रहा था और उनकी कंटिन्यूशन थी, वो एक वैलिड पॉइंट था, लेकिन उस ऑपरेशन में भी जो कारपेट बॉम्बिंग हुई, जो IDPs बने, जो एक फाटा में हुआ, कोलेटरल डैमेज बहुत बड़ा, पॉलिटिकल डैमेज, अपने आपके अपने शहरियों का डैमेज हुआ, वो घर से बेघर हो गए, उनके घर लूट लिए गए, उनकी उनके बहरहाल वो एक लंबी कहानी है। अजी, लेकिन मैं इसमें भी कुछ चीज़ें शामिल करना चाहूँगा। बात यह है कि मैं किसी भी जनरल की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें एक्सटेंशन का कभी भी हामी नहीं रहा, चाहे वो राहिल शरीफ हो, चाहे उससे पहले के जनरल हों, जिन्होंने 10-10 साल वो मार्शल लॉ लगाए रखे। बात यह है कि अगर अगर पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ही मुंसलिक है एक पूरी की पूरी पॉलिसी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी के जर्नैलों का ये कहना कि हम एक वाहिद इंस्टीट्यूट हैं, तो वो इंस्टीट्यूट जो वाहिद होने का वो दावा करते हैं, वो फिर एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश के साथ ख़त्म हो जाता है। Exactly. इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट के तौर पर वो नहीं चल सकते, वो अफराद के तौर पर ही चलते हैं। मैं किसी सूरत भी हामी नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक और अहम बात, ये एक तरह से उनके साथ भी ज्यादती होती है, जनरलों के साथ, बाकी जनरलों जो लाइन में बैठे हैं, जो लाइन में बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये मिस्टर बाजवा, क्या ये नो तीर मारा, चलो कुछ मारा भी हो तीर, फर्ज कीजिए, तो भाई आपकी बारी खत्म हुई, घर जाओ। नहीं, उसके बाद आप कंसल्टेंट लग जाए ना, आप देखें जनरल राहिल शरीफ को कितना बड़ा ओहदा मिला, देखिए वो आसिम बाजवा साहब सीपैक अथॉरिटी के लग गए, दूसरे भी जनरल्स हैं। बात यह है कि आपका एक अफसर होता है, वो 35 साल की सर्विस होती है, वो कोर कमांडर बनता है। बात यह है कि बाजवा साहब ने कोई काम नहीं किया, मतलब ऐसा कि जिस पे उनको एक्सटेंशन दी जाए। अब आपको मैं एक नहीं, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर दिया। आप दोनों में से किसी को मालूम है कि जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया वो कब रिटायर हो रहे हैं, और अगर वो रिटायर हो रहे हैं और हालात दोनों ममालिक के इतने ख़राब हैं कि जंग होने जा रही है या हंगामी हालात हैं, तो उनको एक्सटेंशन क्यों नहीं दी जा रही? वहाँ तो कभी एक्सटेंशन की बात नहीं हुई भारत में। दिसंबर के एंड में जनरल बिपिन रावत जा रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट है। तीन नामों पे मोदी साहब अभी से कंसिडर कर रहे हैं कि नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो किसको लगाएंगे। आप समझ लीजिए इस बात को, यानी कि एक मुल्क जो कि प्राउड है अपनी आर्मी पे, नॉट ऑन द आर्मी चीफ ओनली, दे डिपेंड ऑन देयर आर्मी, नॉट ऑन देयर चीफ ऑफ आर्मी। सो ये और हम हैं कि हम शख्सियात पे करते हैं, उसके पीछे एक घिनौना खेल है, और वो उस खेल का नाम है सीपैक। अगर आप हम ये समझ जाएं कि ये सीपैक की जो इमरान बाजवा डॉक्ट्राइन है, इसमें फौजी फाउंडेशन का किस हद तक किरदार है, तो ये बात हमारे खुल के सामने आती चली जाएगी कि ये इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। सीपैक तो कोई और अगला जनरल भी चला सकता है। नहीं, देखिए ना, बात ये कि सीपैक तो अभी ये कोई 8-10 साल का खेल है ना। सीपैक से पहले बाजवा साहब की जोर दे रहा हूँ, वो 47 से सीपैक शुरू होने से पहले तक भी तो यही खेल होता रहा ना, और आइंदा भी यही होता रहेगा। मसला ये कि हम जैसे कनाडा में रहते हैं, हमें कनाडा के चीफ आर्मी स्टाफ के नाम का नहीं पता, नहीं पता। शायद शमा को यूके के चीफ आर्मी स्टाफ के नाम का नहीं पता, BGISPR का भी नाम नहीं पता। देखिए, ब्रेक्सिट चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कोई फौजी आया बीच में यहाँ पर कि तुम लोगों ने क्या तमाशा लगाया, और मैं मुल्क और कौम के मफाद में, यानी ये है कि माई डियर नेशन फेलो कहेगा वो, मेरे अजीम हम वतनों की जगह पर, लेकिन कोई जर्नल नहीं है, हमने कुछ भी नहीं देखा, कोई हमें पता ही नहीं। सिर्फ बाजवा क्यों, वाय बाजवा? दो वजूहत मेरे जहन में आ रही थी, एक तो सीपैक है, दूसरा ये कि जब उन्होंने एक सेलेक्टेड पपेट को ला के बिठाया है, तो वो पपेट तो चाहेगा ना कि अब्बू रहे मेरे साथ,
अब वो चले गए तो मेरे पीछे हाल बुरा हो जाना है। और आप देख रही हैं कि ऑल द वे जाकर इमरान खान बचा रहे हैं इस वक्त जनरल बाजवा को, और तब भी जाकर उनको उन कई 7 अरब का नवाज शरीफ से वादा करके 50 रुपये पर राज़ी होने वाले इमरान खान अब जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन से 6 महीने के प्रोबेशनरी पीरियड पे टेम्प्रेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पे राज़ी हो गए हैं, वो भी अंडर प्रोबेशन है। और उनका प्रोबेशन पीरियड भी फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ अप्रूव करेंगी पार्लियामान से, तब जाके वो कुछ आगे बात बनेगी। ये नौबत आ गई। और मैं समझता हूँ गौरव साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्षमा, गौरव साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि कम अज़ कम आप उस रेगुलेशन में तो आ गए ना, कम अज़ कम आपके पास एक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन और कानून तो आ गया ना कि जहाँ आपको अब फॉलो करना है आने वाले चीफ जस्टिस को। गौरव साहब मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ऑन स्पॉट हो गए ना, चीफ द आर्मी स्टाफ ऑन स्पॉट हो गए, पाकिस्तान आर्मी का इंस्टीट्यूट ऑन स्पॉट हो गया। आम आवाम ने, पाकिस्तान की आम आवाम ने एक बार फिर सोचना शुरू किया कि इनको ही, इन इतने बड़े अफसरों को ही अपनी एक्सटेंशन की ज़रूरत क्यों है, तकलीफ क्यों है। पहली बात तो ये है, तो यही काफ़ी है जो वहाँ के गिवन सर्कमस्टांसिस में कि इनकी जो मतलब बेचारगी भी सामने आ गई और इसके साथ साथ ये ऑन स्पॉट हो गए। दूसरा, आपने बात की कि इमरान खान इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान की तो खैर अपनी कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई भी हो उसकी अपनी औकात नहीं होती। इनफैक्ट यही उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना बाजवा साहब। देखिए सिंपल कहानी है, अब मैं इसको सम अप यूँ करता हूँ। बाजवा इमरान जोड़ी है और पाकिस्तान आर्मी का ये वो ग्रोह है जो इनका एक अपना एजेंडा है, ये रहना चाहते हैं। ये इस वक्त इंटरनल फाइट है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ये रहना चाहते हैं हर सूरत। जो दूसरा ग्रोह है वो शायद प्रो चाइना है, ये प्रो चाइना ग्रोह। बार बार मैं ये दूसरे ग्रोह की बात सुन रहा हूँ, ये मतलब बहुत से नाज़रीन को शायद ये बात क्लियर ना हो कि आर यू टॉकिंग अबाउट अनदर फैक्शन विदिन द आर्मी? एब्सोल्युटली, अनदर फैक्शन तो है, वरना मियां वो मौलाना फजलुर रहमान कैसे आते? हाँ, वो तो हमें भी पता है कि कोई ना कोई नाम मालूम होता है विदिन द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें मतलब जो हमारे सोर्सेज हैं, हमें कोई रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि उनकी वो जो उन्होंने फाइट किया है, उन्होंने देखे धरना हुआ, एक पॉलिटिकल केओस आया, सेनेट के इलेक्शन हुए, लेकिन जरदारी साहब एंड टाइम पर भाग जाते। मैंने उनको हमेशा कहा, मैंने कहा सर 100 प्याज भी खाएंगे 100 जूते भी खा रहे हैं आप, मकसद ये है कि मगरमच्छ को आप समझते हैं एक हाथ दे देंगे वो आपको छोड़ देगा? नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। देखें कि क्या हो रहा है उनके साथ। और उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं, मैं मीडिया पर कहती हूँ कि देखें पीएमएलएन ने जिस तरह से फाइट किया, पीपल्स पार्टी से कोई फाइट करने वाला नहीं है उनके को चेयरमैन जरदारी साहब के लिए। उन्होंने पूरे मीडिया में आग लगा दी थी, सिंपथी फैक्टर ले लें या रिपोर्ट्स ले लें, जरदारी साहब को हमें पता ही नहीं चलता, उनकी कोई तस्वीर नहीं आती, उनका कुछ भी, एक तस्वीर उनकी आई वो भी बहुत दूर से, लेकिन कुछ भी नहीं। अच्छा, पीएमएलएन वाले हमें सारे जर्नलिस्ट को बाकायदा वो मैसेजेस भेजते थे, देखिए ये रिपोर्ट है, इतने प्लेटलेट्स हैं सारे कुछ, पीपुल्स पार्टी वालों को परवाही नहीं है, शायद वो भी नहीं चाहते कि वो बाहर आए और फिर उनका इन्फ्लुएंस हो, तो वो सारी एक वो है। लेकिन जो बात जो हम ये कर रहे हैं दूसरे फैक्शन की, तो मैं इस चीज पर, मेरा भी एक रीजन टू बिलीव है, बल्कि मैं आई थिंक को रिफ्रेज करके कहूंगी रीजन टू बिलीव है कि बेचैनी है। आयशा सिद्दीका ने भी लिखा अपने कॉलम में, उन्होंने लिखा था जब ये अगस्त में हुआ, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ उनकी, क्योंकि वो बहुत बड़ी एकेडमिक है, मैं इस चीज को एंडोर्स करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही उन्होंने जज किया। हमारी भी ऑब्जर्वेशन है और वो बिल्कुल जेन्युइन है कि मैं अगर 35 साल जान लगाकर मैं सर्विस करती हूँ और उसके बाद मुझे पूरा, यानी यह है कि एक वैक्यूम जो है वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर बात चलती है कि एक और एक्सपेक्टेड है वो लगेगा और वो फिर अगले 6 साल लेगा एक्सटेंशन, तो फिर आपकी फिर क्यों आप सर्विस करें, आप बददिल तो होंगे उसके बाद। तो ये प्रो चाइना या प्रो अमेरिका नहीं है, मेरे ख्याल में ये एक ही इंस्टीट्यूशन है या था जिसको उन्होंने एक, मैंने किसी जर्नल का इंटरव्यू किया था अपनी पीएचडी के दौरान, तो उन्होंने एक बड़ा ही एक अच्छा लफ्ज यूज किया था, प्रोटोटाइप इमेजिंग। उन्होंने कहा कि हमारी जो कमांड ऑफ अथॉरिटी है, हमने उसको डिसिप्लिन को इतना इंटेक्ट और करके रखा हुआ है कि हम हर किस्म की प्रोटोटाइप इमेजिंग से हमने अपने इंस्टीट्यूट को
तो अगर आप इस बात को सच मान लिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि बाजवा और कोई और वो उनको सिर्फ एक ओहदा है, एक पोजीशन है, और उस पोजीशन पे जो भी आएगा ही विल टेक ओवर एंड स्टार्ट फ्रॉम। आप क्या समझते हैं कि क्या वो बाकी कोई जनरल इस काबिल नहीं है? यही तो पॉइंट है। बड़े उन्होंने अच्छे अच्छे नाम, लेकिन जो बातें आप लोग कर रहे हैं शमा और गोरा साहब के, एक तो डिवाइड है, पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हैं और जो फर्द है वो मजबूत है, फिर आर्मी शायद कमजोर है, कश्मीर कैसे बनेगा पाकिस्तान दुनिया में, फिर पाकिस्तान जंगे कैसे जीतेगा, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, फाटा, ये सारे मसले कैसे हल होंगे। तो इसका मतलब है कि हम रिलाई कर रहे हैं एक शख्स पे, जनरल बाजवा पे, कल कला को उनको बुखार हो जाएगा तो क्या इंडिया हमला कर देगा? तो हम बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे कि सही हो तो फिर नहीं, इंडिया हमला कर देगा तो आपका क्या ख्याल है ये क्या करेंगे? ये जाकर हमला के सारे तमगे लगाते हैं सीनों पे, मुझे लगता है जीत जाएंगे शायद। नहीं नहीं आप देखें, इन्होंने जो किया ये अभिनंदन वाला हुआ, जो भी हुआ वो उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद क्या, बहुत अच्छा जेस्चर था पॉलिटिकल, हम सब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर क्या इंडिया रुक गया, उन्होंने अनेक्स कर लिया कश्मीर, तो इन्होंने क्या किया? मान लेना फिर वी आर नॉट केपेबल ऑफ, जो अचीवमेंट है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। जी देखिए जी, क्या केपेबल होना है ये आज की बात, आज की बात थोड़ी है, 71 में 93 था, हम कोई जंग नहीं जीत सकते ना, ये तो आप 2019 के अनीस पे बात कर रहे हैं, मैं 1971 में वापस जा रहा हूँ और उसकी अगले महीने दिसंबर में वो भारत की मदद से जो बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश में जश्न मनाए जाएंगे, तो वो 71 में 93,000 जो थे चाय पी गए पाक सिपाही, खाना भी खा के वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे। तो ये तब की बात है जब भारत बहुत आगे नहीं था अपनी साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में, तो तब ये हाल हुआ था। अब तो कोई मैच ही नहीं है ना। अब तो वो हालत है कि जो पाकिस्तान से अलग हुआ था 71 में बांग्लादेश, उसके साथ हमारा कोई मैच नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना जी, उसकी 8% ग्रोथ रेट है, तरक्की किया देखें, उनकी इकोनॉमी देखें कैसे बूस्ट कर रही है। तो इस सारी सूरत हाल में देखिए बात बड़ी सिंपल है, जो ये हम आर्मी की डिवीजन की विदन बात कर रहे हैं, मैं उसको ये भी नहीं कहता कि प्रो चाइना प्रो अमेरिका ग्रुप है। इनफैक्ट जो सूरत है, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और जो हम देख भी रहे हैं, जो हम डॉट से डॉट मिला सकते हैं, वो प्रो चाइना और एंटी चाइना ग्रुप्स हैं। ठीक है, और वो भी कोई आइडियलिज्म की बुनियाद पर नहीं है, वो इनफैक्ट अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पर है। बिल्कुल सही बात है। और उसको हम देखें, उसको हम बालाए ताक रखें, उसको बल्कि साइड लाइन पर रखें। हमारी जो पहली बात है, अभी जो जजेस ने भी किया, उन्होंने जर्नल साहब को उस कानून पर एक्सटेंशन दी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो 6 महीने के बाद बनेगा। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। उन्होंने कहा है कि आप जाकर, हम जो ये कंडीशनल दे रहे हैं वो 243(1) को आप जाकर फिक्स करें, एक आईनी तरमीम करें, और वो जाकर 6 months के बाद होगी। जब वो चीज 6 months के बाद होगी और वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती इस वक्त ऑन फैक्ट यानी ऑन ग्राउंड, तो फिर वो एक्सटेंशन किस लॉ के तहत दी गई है? ये तो फिर अनलॉफुल है। कल को मेरे जैसा, वो अनीस राही की तरह मेरे जैसा कोई बंदा चला जाए और उनको कहे कि जी मैं अपनी यानी मैं नाबल्द हूँ कानून की पेचीदगियों से, लेकिन मेरी राय में ये आप ये अनलॉफुल है, तो आप जाकर जुडिशियल रिव्यू करें इसका फुल। ओवरऑल डिस्कशन से हमें ये साबित होता है कि दो बातें साबित हुई आज। एक तो ये कि ये जो स्क्रीन पे आपको शमा जुनेजु नजर आ रही है, ये वो खातून नहीं है जो मैं वो खातून नहीं हूं। प्लीज इसको क्लियर कर लें। और मैं इतनी बुरी लिपस्टिक कभी भी नहीं लगाती। यस वी ऑल नो दैट एंड यू डू हैव अ क्लास। उसके साथ उसके अलावा दूसरी बात ये कि जो बाजवा साहब की मसले मसाइल हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं, इसके हमें डिवीजन भी नज़र आई, और उसके अलावा हमें ये भी नज़र आया कि गवर्नमेंट ऑल आउट क्यों जाके उनको सपोर्ट कर रही है। तो नहीं, अपोजिशन भी कर रही है। अपोजिशन देखिए, वो अपोजिशन के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो उनकी सबकी जो है ना फाइलें खुली हुई हैं, हमें मालूम है उनकी क्या क्या मजबूरियाँ हैं। वरना इमरान जैसी नाअहल हुकूमत को गिराने के लिए सिर्फ रेजिग्नेशन ही काफ़ी थे, जो वो ये भी नहीं कर सके, वो धरने दे के वापस चले जाते हैं। तो ये सिलसिला चलेगा आने वाले दिनों में, इसको हम देखते हैं। यहाँ हम इस सेगमेंट को वाइंड अप कर रहे हैं नाज़रीन, इसके बाद हम एक डिफरेंट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। शमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर टाइम मिले तो आइएगा हमारे शो में, हम बात करेंगे। लेट्स स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।